ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट ओला दिया जाए। तो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, आपको इसमें जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आप सभी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि यार मैं जो जो वीडियो डालूं तो यार उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस, बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या, गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आपको लेना है एक कार की पीएनजी। एंड इस कार की पीएनजी को लेने के बाद आपको गाइस सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। तो गाइस, इतना कर देने के बाद आपको सिंपली टैप करना है। एंड उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डन कर देते हैं अभी। अब गाइस क्या करना, आप सभी को यहाँ से गाइस जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहाँ से आप सभी को आपको ऐड करना है दिवाली का टैक्स पीएनजी। ठीक है, तो इस टैक्स पीएनजी को ऐड करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस, आपको कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना है, ये भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे अभी इसको डन नहीं करना है, क्योंकि गाइस ये जो दिवाली का जो पीएनजी है हमें बड़ा भी करना पड़ सकता है। तो क्या करेंगे गाइस, यहाँ से हम पहले नंबर पर मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड ऐड करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको जो मॉडल होगा जिसका साइज जो आपको कुछ इतना रखना है, यहाँ पे रख देना है इसके बीच में। ठीक है, तो अभी देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोलता है यहाँ पे हमें साइज को बड़ा करना पड़ सकता है, तो यार क्या करना है आपको, यहाँ पे आप गाइस देखिए, अब आपको अपने मॉडल के अकॉर्डिंग इसको गाइस इसका साइज इंक्रीज करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं फटाफट से यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ, इसको मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। एंड गाइस, आपको यहाँ पे साइज को जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है अपने मॉडल के हिसाब से। ठीक है, तो आपको इतना कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको मैंने मॉडल लेना है। एंड इसके यहाँ पे आपको मॉडल का डुप्लीकेट कर लेना है। एंड इसको सेम वैसे साइज में रखना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको उसको रोटेट वे ऑप्शन और रोटेट वाले ऑप्शन में जाकर आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है। इसको यहाँ पे आपको मूव डाउन कर देना है अपने मॉडल को, ताकि जो है आपके मॉडल के नीचे चले जाए। एंड इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे फिर कम कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन बन चुका है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम अब इसको गाइस यहाँ पे हमें शेडो बनानी है। तो उसके लिए करेंगे, मैट फोटो में जाएंगे, ब्लैक शीट लेंगे। एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करेंगे। एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद गाइस कुछ इस टाइप से रखेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे शेडो कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइज इंक्रीज कर देते हैं एंड कुछ इस टाइप से ऐसे शेडो बनाते हैं। फिर गाइस इसको भी हम मूव डाउन कर देंगे हमेशा की तरह, जैसे अभी मैंने पिछली बार किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। एंड यहाँ पे गाइस इतना परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको हम सिंपली डन कर सकते हैं। एंड बाकी जो पीएनजी वगैरह हमारा लग चुका है, तो अब यहाँ पे हमारे कुछ पीएनजी और रहते हैं, तो गाइस उसको लगाते हैं। पहले अभी हम इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं, ताकि जो है बाकी पीएनजी हम लगा लें। तो अभी इसे डन कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, जाएंगे हम ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से हम एक पीएनजी और ऐड करेंगे, जो गाइस फुल जड़ी की है, जो कि हम अपने हैंड पे लगाएंगे। तो गाइस इसको मैं फटाफट से लगाता हूँ एंड बाकी का प्रोसेस आपको बताता हूँ। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, जाना आपको ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से लेना आप सभी को ये पीएनजी फायर का। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसको लेने के बाद आपको इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको सिंपली इसको अपनी फुल जोड़ी के ऊपर लगा देना दोनों तरफ। तो मैं इसको फटाफट लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ पे हमारी पीएनजी वगैरह लग चुकी है। अब गाइस यहाँ पे हम जाना है ऐड फोटो में दोबारा से। तो अब यहाँ पे हमें एक स्मोक का हैप्पी दिवाली का टैक्स पीएनजी ऐड करना है। तो हैप्पी दिवाली का टैक्स पीएनजी लेते हैं हम, इसको स्क्रीन कर देंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको सिंपली इसको जिस टाइप से यहाँ पे रखना है। ओके सो यहाँ पे हम रख लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर डन कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे हम स्मोक थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐड फोटो में जाकर हम स्मोक का पीएनजी ले लेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे हम फुल स्क्रीन। एंड उसके बाद इसको हम थोड़ा यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे। एंड कुछ स्टेप से इसको हम ऐसे रख देंगे। ओके सो इतना परफेक्ट है। अब गाइस इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं डन। ठीक है, तो डन हो गया हमारा यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे हम इस फोटो को सिंपली सेव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसमें बारी हमारी कलर करेक्शन की। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से लेके चलता हम इसे लाइट रूम ऐप में। सो लाइट रूम ऐप को हमने ओपन कर लिया है, फोटो भी हमने पहले से ऐड कर रखी थी। अब जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, हम इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे। एंड जो हाईलाइट है जिसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, जो शेडो है जिसको हम थोड़ा माइनस कर देंगे। एंड जहाँ पे व्हाइट है अब इसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड जो उसके बाद ब्लैक है जिसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में। फिर गाइस आपको जो वाइब्रेशन है इसको इंक्रीज कर देना है, थोड़ा टेम्परेचर कम कर देना है। फिर गाइस आपको जाना कलर मिक्स में, यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है।
फिर गैस आपको लेना येलो कलर, आपको उसका ह्यू थोड़ा चेंज कर देना है एंड सैचुरेशन बढ़ा देना है। फिर गैस ग्रीन कलर लेके आपको उसका थोड़ा ह्यू बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन भी बढ़ा देना है। फिर गैस जो डार्क ब्लू है आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो सैचुरेशन है उसको इंक्रीज कर देना है। फिर पिंक कलर लेना गैस आपको उसका पिंक कलर माइनस एंड सैचुरेशन प्लस, ठीक है। आप डन कर देना, आप जाना आपको थ्री डॉट्स वाले में एंड उसके बाद गैस यहाँ पे शेडो के सामने जो पॉइंट दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जो ह्यू है गाइस इसका आपको इसको ले जाना है यहाँ पे येलो कलर में, इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है। फिर मिड टोन को ले जाना आपको ब्लू कलर में एंड इसका सैचुरेशन एंड गाइस यहाँ पे मिड टोन का आप कोई भी ह्यू रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर काफी अच्छा लगा तो ग्रीन रख लेते हैं एंड हाईलाइट में जाकर आपको सेम वही चीज़ करनी है, आपको इसको ले जाना ब्लू कलर में इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है, अब यहाँ पर यूज़ करते हैं डन एंड चलते नीचे वाले टूल में। आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो आपको अपने हिसाब से डाल देना है, मतलब कि जितना आप डालना चाहो, ओके। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस है गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड यहाँ पे मिलेगा आपको नोड रोडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा कलर नोड रोडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारे जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चलेगा ऐसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।